मम्मी बहुत मिस कर रही है हमारे फेस्टिवल। Hi guys, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. आज के व्लॉग में शेयर करने वाली हूँ आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। I hope आपको अच्छी लगेगी and अगर अच्छी लगेगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये मैं पफ पेस्ट्री लेकर आई थी ट्रेडर्स जो से एंड अभी मैं बनाने वाली हूँ आलू पैटीज, आलू और पनीर की पैटीज। और इसमें ना मैं ज़्यादा बहुत ज़्यादा तड़का नहीं लगाने वाली हूँ, बहुत सिंपल सी फिलिंग बनाऊँगी आलू और पनीर की। तो बस ऑयल में मैंने थोड़ा सा जीरा और साबुत धनिया जो होता है वो डाल लिया है और इसको ना थोड़ी देर के लिए सॉटे कर लेंगे। थोड़ी सी हींग भी डाली है मैंने, इसमें थोड़ी सी हल्दी जाएगी और जो पोटैटोज मैंने मैश किए हुए हैं वो मैं मिक्स कर दूंगी। सो अवन को मैं यहाँ पे प्री हीट कर दूंगी 310 फेरेनहाइट पर। स्टार्ट कर देंगे इसको और अभी ना ये प्री हीट हो जाएगा एंड तब तक मैं अपनी जो फिलिंग है उसको मैं रेडी कर लूँगी। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया है इसमें सॉल्ट, सॉल्ट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। और ये ना मैं थोड़ा सा इवान के लिए अलग से निकाल के रख रही हूँ बिना मसाले वाला, तो बाद में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी मिर्ची, चाट मसाला एंड थोड़ा सा डालूँगी इसमें मैं गरम मसाला। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और मैं डाल दूंगी सिलेंट्रो एंड मैं थोड़ा सा पनीर भी डालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको डालना हो तो आप डाल सकते हो वरना आप स्किप भी कर सकते हो, जस्ट आलू पैटी भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने लेकिन थोड़ा सा पनीर भी डालूंगी और बस यहाँ पे हम अपनी जो ये पफ पेस्ट्री शीट्स हैं इसको कट कर लेते हैं। जैसी भी शेप चाहिए आपको, ट्रायंगुलर चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, जैसी भी आपको शेप चाहिए आप उस टाइप में काट सकते हो। मैं दोनों शेप्स में बनाऊंगी। काफ़ी इजी रेसिपी है ये और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है क्योंकि पफ पेस्ट्री शीट्स जो हैं वो आपको मार्केट से ही मिल जाती है एंड जस्ट आपको फिलिंग ही बनानी है। और सच में बताऊँ आपको ये इतनी ज़्यादा अमेजिंग बनती है, इतनी क्रंची क्रिस्पी, बाहर भी आपको ऐसी नहीं मिलेगी यहाँ पर। तो बस अब फिलिंग करते हैं इसमें। तो मैं थोड़ा सा बटर लगाऊंगी एंड देन मैंने जो मसाला बनाया हुआ है वो इसके ऊपर रख दूंगी। थोड़ा सा चाट मसाला मैं इसके ऊपर डालूंगी और ये ऑप्शनल है क्योंकि हमने जब फिलिंग बनाई थी उसमें भी डाला ही था। तो बस बटर लगा लेंगे दोनों साइड एंड इसको कर लेंगे सील। तो मैं बाकी की भी जो पैटीज हैं वो ऐसे ही बना लूंगी। सो इवनिंग स्नैक के लिए ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एंड ना इवान भी इसको बहुत ज़्यादा लाइक करता है। तो जब भी मैं ये आलू पैटी बनाती हूँ उसके लिए बिना मिर्ची वाली निकाल के रख लेती हूँ और जब वो खाता है ना उसको बहुत ही अच्छी लगती है। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा इसको पसंद करते हैं, आप बच्चों के लिए बना सकते हैं एंड बड़े भी इसको बहुत पसंद करते हैं। तो आई थिंक ये बहुत ही क्विक रेसिपी है और बहुत ही फिलिंग भी होती है, तो आप ज़रूर ट्राई करना अगर आपने नहीं ट्राई की है तो। और गाइज ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको आलू की ही या पनीर की ही पैटी बनानी है, आप कोई भी फिलिंग बना सकते हो, मशरूम की और भी वेजेस, कैरेट्स, पीज, ये सब डाल सकते हो। तो मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको आलू की ही बनानी है, लेकिन मुझे पर्सनली आलू वाली पैटी मेरी फेवरेट है तो मैं आलू वाली पैटी ही बनाना पसंद करती हूँ। तो बस इसको ओवन में डालेंगे एंड 20 मिनट्स के लिए मैं इसको बेक करूंगी। मेरा अंदाज़ा है कि 20 मिनट्स में ये अच्छी बन जाती है, बाकी आप बीच बीच में चेक भी कर सकते हो। सो बस यहाँ पर ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है मेरी चाय भी और पैटी भी एंड हम इंजॉय करने वाले हैं पैटी और चाय इस अमेजिंग अमेजिंग वेदर में। आप भी गाइज ज़रूर ट्राई करना। फ्रेंड्स अभी ना हम लोग निकल गए हैं इवनिंग वॉक के लिए। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे कैसे डेकोरेट किया हुआ है बाहर। बहुत ही अच्छा लग रहा है, मतलब फ़नी सा भी लग रहा है और मज़ा आ रहा है इसको देख के ना। तो ये देखो यहाँ पे इनकी पार्टी चल रही है और वो कर रहे हैं डेट। मम्मी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, हमारे भूत प्रेत भी बहुत बढ़िया लगते पे। क्या अच्छा लग रहा है आपको भूत प्रेत में? नहीं अच्छा लग रहा। फिर क्या हम ब्लॉग के लिए बोल रहे हो क्या? और क्या, भूत प्रेत भी अच्छे लगते किसी के। बोला तो यही है आपने।
गाइस भूत प्रेत भी अच्छे लगते किसी को नहीं लगे अच्छे हमारे त्योहार दिवाली दशहरा। मम्मी बहुत मिस कर रही है हमारे फेस्टिवल्स और मम्मी को हो रहा है कि मैं कब इंडिया जाऊंगी और कब सेलिब्रेट करूंगी दिवाली दशहरा। दशहरा तो हो चुका लेकिन क्या दिवाली। मम्मी का जाने का टाइम आ गया है तो मौसम बहुत अमेजिंग होने लग गया है, वरना इतनी ज़्यादा गर्मी थी यहाँ पे। तो मम्मी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अब आप जाने वाले हो? अच्छा लग रहा। अच्छा लग रहा है? क्यों, आपको यहाँ पे अच्छा नहीं लगा? नहीं अच्छा लगा। फिर अब घर जाना भी अच्छा लगता है। तो मम्मी थोड़ी एक्साइटेड भी है और हैप्पी है मम्मी वैसे तो, है ना? लेकिन हाँ, मम्मी वान को मिस करेगी, हम सबको मिस करेगी और हम भी बहुत मिस करेंगे मम्मी को। और देखते हैं, 4-5 मंथ्स हो चुके हैं मम्मी को यहाँ पे और अब देखते हैं उनके बिना कैसा रहेगा। सो गाइज, विद दिस आई एंड माई व्लॉग। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा एंड अगर अच्छा लगा है तो डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। फिर मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।